इंडोनेशिया का जकार्ता दुनिया में सबसे तेजी से डूबने वाला शहर बन चुका है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल हाउ इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सब जानते होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरी दुनिया में तबाही मच रही है। कहीं हद से ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो कहीं तूफान और साइक्लोन्स। क्या आप जानते हैं कि ऐसे में ही दुनिया के सबसे अधिक कब्जे वाले शहरों में से एक जकार्ता डूब रहा है और ये कई दशकों से जमीन में धीरे धीरे गायब हो रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर जकार्ता का 95% से अधिक हिस्सा 2050 तक पूरा डूब जाएगा। उत्तरी जकार्ता 10 वर्षों में 2.5 मीटर डूब गया है और अभी भी कुछ क्षेत्रों में सालाना 25 सेंटीमीटर तक की दर से ये डूब रहा है। मीडिया रिपोर्टों की माने तो जकार्ता हर साल 1 से 15 सेंटीमीटर की दर से डूब रहा है और लगभग आधा राज्य वर्तमान में समुद्र तल के नीचे दब चुका है। विशेषज्ञों की सुने तो जलवायु परिवर्तन से होने वाले जोखिम आगे आने वाले समय में 2 गुने होंगे या शायद इससे भी ज्यादा अधिक बढ़ने की आशंका है। रिपोर्टों के अनुसार बदलती जलवायु ने हमारी पृथ्वी पर 3 हिम नदियों को पिघला दिया है। दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में अंटार्कटिका, उत्तर में ग्रीनलैंड और पर्वत श्रृंखला, इसी की वजह से समुद्र का स्तर बढ़ गया है और समुद्र का विस्तार हो रहा है, जिससे तटीय जगहों के डूबने का खतरा और ज्यादा बढ़ चुका है। बढ़ते पानी का खतरा तेज लहरों, चक्रवातों और जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाली लहरों से और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा जकार्ता में अक्सर अपस्ट्रीम या भारी बारिश के कारण भी बाढ़ आ जाती है। इसे दुनिया का सबसे तेजी से डूबने वाला महानगर माना जाता है। अगर मौजूदा रुझान जारी रहते हैं तो साल 2050 तक 1/3 शहर जलमग्न होने की उम्मीद है। इस शहर के डूबने के कई कारणों में एक कारण ये भी है कि यहाँ अधिकांश आबादी के लिए पीने के लिए पर्याप्त पानी ही नहीं है, जिसके कारण लोग ग्राउंड वाटर सींच रहे हैं। दरअसल देखा जा रहा है कि इस शहर में मीठे पानी की कमी नहीं है। यहाँ प्रति वर्ष 300 दिन वर्षा होती है और इसमें 13 नदियां भी बहती हैं, लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना नहीं है। इस पानी का रख रखाव नहीं किया जा रहा है क्योंकि यहाँ मैंग्रोव के साथ बदलती भूमि वाले क्षेत्रों को मॉल, कार्यालय और अपार्टमेंट भवनों के लिए रास्ता बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। जकार्ता में हरियाली बिल्कुल बची ही नहीं है। यहाँ ठोस क्षेत्रों यानी कंक्रीट एरियाज के बजाय अधिक वुडलैंड और वेटलैंड बनाने की जरूरत है। जैसे जैसे यहाँ शहरी आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे पानी की आवश्यकता भी बढ़ रही है, जिसके कारण जमीन के नीचे का पानी खत्म हो रहा है और जमीन दिन ब दिन नीचे बैठती जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार मैंग्रोव को फिर से शुरू कर जाना चाहिए और पुराने जकार्ता का हिस्सा रहे तालाबों का कायाकल्प किया जाना चाहिए। 2011 के बाद से इंडोनेशियाई प्रशासन ने 900 एकड़ में फैले मध्य जावा में 3 मिलियन से अधिक मैंग्रोव लगाने का दावा किया है। 2023 तक करीब 2000 एकड़ जमीन को कवर करने का उनका लक्ष्य है। अब देखना होगा कि क्या वहां की सरकार अपने यहाँ इस नामुमकिन को मुमकिन कर पाती है या फिर नहीं। आप जानते हैं कि हमारे देश भारत में भी एक जगह जहां बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि वहां लोग बाढ़ से डूब रहे हैं, वहीं उत्तरी एरिया यहां लोग बारिश के लिए तरस रहे हैं और कोलकाता हो या मुंबई हो, धीरे धीरे इनके भी डूबने की आशंका बढ़ रही है। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी उसी तरह से दुनिया धीरे धीरे खत्म होगी। तो आखिर हम इंसान यहाँ पर क्या रोल प्ले कर रहे हैं, हम धरती को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, इसके लिए हर सरकार हर इंसान जिम्मेदार है। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हाउ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।